गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम टू नव भारतीय टूडे आई एम गर टीचियर अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास नाइन्थ बीह की जो बुक है क्लास नाइन्थ की उसका फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे द फन देड ठीक है द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर इज ऑथर ऑफ दिस स्टोरी इज आई जेक एसी मोव ठीक है सो so गाइस इस स्टूडेंट्स uh, इस स्टोरी में इस चैप्टर में ये है कि ये जो चैप्टर है ना हमारा फ्यूचर के ऊपर बेस्ड है जो ऑथर है उसने ये चैप्टर फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए बनाया है कि इन फ्यूचर हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा हो जाएगा ठीक है ऑब्वियसली बात है कि अभी हम बुक्स वगैरह से पढ़ते हैं बट जैसे जैसे टाइम निकल रहा है हम वर्चुअल क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस पर हम आ रहे हैं धीरे धीरे क्या होगा बुक्स बिल्कुल ही वैनिश हो जाएंगी और सिर्फ इलेक्ट्रिक ई बुक्स वगैरह आएंगी सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस वगैरह होंगी ठीक है तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये चैप्टर बनाया गया है द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर वेन बुक्स एंड स्कूल एज वी नो विल विलप्स नॉट एग्जिस्ट हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी दैन डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़ ये जो स्टोरी है फ्यूचर के ऊपर बनाई गई है जब शायद फ्यूचर में बुक्स और स्कूल्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे ठीक है फिर जो बच्चे हैं वो कैसे पढ़ाई करेंगे अगर स्कूल्स और बुक्स वगैरह नहीं होंगी तो इस डायग्राम के थ्रू देखिए स्कूल्स ऑफ फ्यूचर वर्चुअल क्लासरूम्स होंगी लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स रोबोटिक टीचर्स होंगे ह्यूमन टीचर्स नहीं होंगे और मूविंग ई टेक्स्ट ठीक है क्लास वगैरह स्कूल वगैरह कुछ नहीं होंगी टीचर्स वगैरह नहीं होंगे रोबोटिक टीचर्स होंगे लर्निंग थ्रू कंप्यूटर वर्चुअल क्लासेस होंगी ई टेक्स्ट बुक्स होंगी इन पेयर्स डिस्कस थ्री थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड थ्री थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज राइट दम डाउन एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो आप लोगों को करनी है अपने स्कूल के बारे में तीन ऐसी चीज जो आपको बहुत अच्छी लगती है और तीन ऐसी चीज जो आप चेंज करना चाहोगे लिखिए हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन

ये वाला जो सिस्टम है वर्चुअल सिस्टम ज्यादा पसंद होगा या फिर बुक्स वाला ज्यादा सिस्टम पसंद होगा ठीक है तो ये चैप्टर के बारे में थोड़ा सा हमें बता रखा है मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन दिन मे ट्वेंटी 17 मई 2157 मार्जी एक लड़की है ये जो स्टोरी है फ्यूचर के ऊपर बेस्ड है तो उसके अकॉर्डिंग मारजी ने अपनी डायरी में एक डेट लिखी है सेवनटीन में ट्वेंटी सेवन अभी चल रहा है ट्वेंटी ट्वेंटी देखिए ट्वेंटी सेवन के बारे में उसने लिखा है आफ्टर सो मैनी ईयर्स ठीक है उन दिनों पे फ्यूचर के ऊपर ही हमारी स्टोरी बेस्ड है शी रोट टूडे टॉमी रियल बुक मारजी देखो एक लड़की है जो फ्यूचर Uh, हमारा जो फ्यूचर है ना ट्वेंटी वन फिफ्टी सेवन उस टाइम की वो बच्ची है ठीक है ना हम प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे हम पास्ट की बात नहीं कर रहे हम काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर की बात कर रहे हैं आने वाले टाइम की हम बात कर रहे हैं ठीक है तो उसको उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो इसका ऑथर है उनने इमेजिनेशन बनाई है कि एक लड़की है वो अपनी डायरी में ये डेट लिखती है वो अपनी डायरी लिखती है और इसमें लिखती है कि टुडे टॉमी फाउंडर रियल बुक आज टॉमी को एक नहीं, एक असली बुक मिली टॉमी कौन है मार्जी का भाई है टॉमी को एक असली बुक मिली इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक मार्जीज ग्रैंड फादर सेड दैट व्हेन ही अ लिटिल बॉय समथिंग इज मिसिंट सॉरी ओके नो 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 इट्स इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक मार्जीज ग्रैंड फादर वंस सेट दैट वेन ही वॉज अ लिटिल बॉय ग्रैंड फादर टोल्ड हेम दैट देर वॉज अ टाइम एन ऑल स्टोरीज आर प्रिंटेड ऑनपर जो मारजी को बुक मिली थी जो टॉमी टौ, को बुक मिली थी वो काफ़ी पुरानी बुक थी ठीक है बहुत ज़्यादा पुरानी बुक थी मारजी के जो दादा थे उनने एक बार मारजी को बताया था कि एक ऐसा टाइम था जब उसके जो दादा थे ना वो किताबों से पढ़ाई करते थे जो भी स्टोरीज थी वो सब पेपर में प्रिंट होती थी कुछ भी वर्चुअल नहीं होता था They turned the pages which were yellow and crinkly and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they uh, they were supposed to. उन्होंने पेजेस टर्न करे अब पुरानी बुक क्या होता है जैसे जैसे बुक पुरानी होता हो जाती है तो वो थोड़ी येलोइश कलर हो जाता है उसका और बहुत रिंकल्स क्रिंक क्रिंकली मतलब बहुत रिंकल्स आ गए थे बुक में नी फोल्ड्स और लाइन्स ठीक है तो पुरानी बुक थी पेजेस येलो हो गए थे बहुत रेंकल्स आ गए थे तो मार्जिक के लिए वो चीज देखना ना बहुत अजीब था उसको हंसी भी आ रही थी क्योंकि जो वर्ड्स प्रिंटेड बुक्स है पेपर पे हम कुछ भी लिखते हैं तो वर्ड्स एज इट इज रहते हैं वी नॉट चेंज द वर्ड्स वी नॉट मूव वर्ड्स बट ई बुक्स जो होती है हमारे कंप्यूटर वगैरह में कोई भी uh, स्टोरी वगैरह हो तो हम वी कैन चेंज इट वी कैन चेंज द वर्ड्स वी कैन चेंज द फॉर्मेट बट बुक में क्या होता है वर्ड्स एज इट इज रहता है हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते ठीक है तो ये चीज़ मार्जी को थोड़ी फनी लग रही थी थोड़ी अजीब लग रही थी ऑन अ स्क्रीन यू नो मतलब वही स्क्रीन पे तो कुछ ऐसा हो नहीं सकता स्क्रीन पे तो वी कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू बट जो बुक है उस पर वी कैन नॉट डू एनी थिंग ना and then when they turned back to the pages before it had the same words on it that it had had when they read it the first time वही चीज हो रही है कि जब uh, फिर से मार्जिन ने क्या करा पेजेस को बैक करा तो वो वर्ड्स वहीं के वहीं थे और

जी सेट टॉमी अ वेस्ट वो यू आर थ्रो विद द बुक्स यू जस्ट थ्रो इट आई गेस टॉमी बोलता है मार्जी को टॉमी जी करके बोलता है जी इज द ऑफ मार्जी टॉमी बोलता है जी कितना टाइम वेस्ट वाली बात है जब एक बार आप बुक खत्म कर लोगे तो आपको ये बुक फेंकनी पड़ेगी ये बात जी टॉमी जी को बोल रहा है कि यार इट इज सच अ वेस्ट ऑफ टाइम ठीक है बुक एक बार हमने पढ़ ली फिर उसको हमें फिर से फेंकनी पड़ेगी वी हैव नो वी हैव नो अदर ऑप्शन आर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव है मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर ट्वेंटी मोर आई वुड नॉट थ्रो इट अवे हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन है उस पर बहुत ज़्यादा मिलियन मिलियंस पे बहुत सारी बुक्स है और हम उसको फेंकेंगे नहीं हम टी वी स्क्रीन थोड़ी ना फेंक देंगे बस वी कैन जस्ट चेंज इट एज पर आर नीड्स एज पर आर इंटरेस्ट बट हम बुक्स के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं ठीक इट्स गुड फॉर प्लांटिंग मोर आई वुड नॉट थ्रो इट अवे ठीक है, हैथ माइंड सेड मारजी शी वॉज इलेवन एंड books as Tommy had. He was 13 मारजी 11 की है तो मारजी भी ये चीज बोलती कि सेम ये चीज भी मेरे साथ है मेरे पास जो टेलीविजन है जो ई बुक्स है हमारी टेलीबुक्स है मतलब वर्चुअल बुक्स है उसको हम हमारे अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग देख सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं अगर एक बार हम पढ़ लेंगे तो हम ई बुक्स को टाइल बुक्स को फेंकेंगे नहीं क्योंकि हम उसको चेंज कर सकते हैं ठीक है लेकिन जो पेपर वाली जो बुक्स होती है ना उनमें बस एक बार हमने पढ़ लिया अब हम उसको वापस छोड़ना पड़ेंगे उनका ये मानना था पेपर वाली बुक्स इज सच अ वेस्ट ऑफ टाइम क्योंकि एक बार हमने पढ़ ली तो बार बार तो कोई पढ़ेगा नहीं उसको फेंकना पड़ेगा और कोई ऑप्शन तो होगा नहीं ठीक है शी सेट वेयर डिड यू फाइंड इट In my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic. तो मार्ट उसको हैं कि तुम्हें ये बुक कहाँ मिली तुम्हें ये बुक कहाँ पे मिली टॉमी uh, तो बोलता है मेरे घर में he was pointing without looking. वो बुक रीड करने में बिजी था तो वो बस पॉइंट कर रहा था कि एटिक में एटिक क्या, क्या होता है हर घर में छोटा सा रूम होता स्टोरूम होता है ना उसको एटिक बोलते है हैं जहाँ पे हम पुराना स्टफ रखते हैं ठीक है

शोइंग यू थिंक समथिंग इज वर्थ किसी चीज का तिरस्कार करना ठीक है किसी चीज का तिरस्कार करना होता है स्कॉर्नफुल मतलब कोई इंटरेस्ट शो नहीं करना ठीक है स्कूल इज टू राइट अबाउट स्कूल 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 आई हेट बोलती school, school के बारे में लिखने के लिए क्या है आई हेट स्कूल मुझे नफरत है स्कूल से मार्जी बोलती है मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर मार्जी को हमेशा से स्कूल से नफरत थी लेकिन इन दिनों वो बहुत ज्यादा नफरत कर रही थी

बुरा लग गया उसकी मम्मा को अच्छा नहीं लगा सुल मतलब अपसेट हो जाना ठीक है तो फिर उसकी मम्मा ने क्या करा कि काउंटी इंस्पेक्टर के पास जो उनका क्या था एक रोबोट था ठीक है ना मशीन होती है रोबोट वाली मशीन होती है तो वो क्या टेस्ट पे टेस्ट लिए जा रहा था मार्जी का और मार्जी फिर से वही बेकार पूरा सब कुछ बेकार कर रही थी कुछ भी अच्छे से वो पढ़ाई वगैरह नहीं कर रही थी तो उसकी मम्मा ने क्या करा जो वो मशीन थी जो रोबोट था जो उनकी पढ़ने वाली रोबोटिक मशीन थी उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज दिया क्यों भेज दिया? He was a round little man अ राउंड red मैन विद एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स with टाइल्स एंड वायर्स जो काउंटी इंस्पेक्टर था ना वो uh, एक गोल मटोल सा आदमी था जिसका रेड फेस था और उसके पास बहुत सारे टूल्स थे बहुत सारे वायर्स थे ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गिव हर एन एप्पल उसने मार्जी की तरफ स्माइल करा और उसको एक एप्पल दिया देन टीचर अ पार्ट और जो रोबोटिक जो टीचर था ना मार्जी का उसको साइड में ले गया Margie had hoped he would not know how to put it together again, but he knew how. All right. मतलब Margie को वो teacher जो उसका robotic teacher जो उसकी machine थी ना Margie की वो Margie को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी क्योंकि उसको school वगैरह से नफरत थी उसको homework वगैरह करने से नफरत थी उसको पढ़ाई करने से नफरत तो थी तो wish कर रही थी काश ये जो काउंटी inspector इस machine को ठीक ना कर पाए ठीक है ना? लेकिन जो काउंटी inspector था वो बहुत उसको पता था कि ये सब कैसे ठीक करना है

स्क्रीन स्क्रीन के ऊपर वगैरह वगैरह सब सब स्टार्ट हो गया देखने लग गया सो दैट वाज नॉट सो बैड द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स चलो ठीक है मशीन ठीक होने तक ठीक है लेकिन मार्जी को उस मशीन में सबसे बुरी चीज क्या लगती थी वो पार्ट वो जगह जहाँ पे उसको होमवर्क सबमिट करवाना होता था जहाँ पे उसको टेस्ट सबमिट करवाना होता था स्लॉट मतलब क्या होता है स्लॉट hmm. मतलब होता है अ गिवन स्पेस टाइम और पोजीशन थोड़ी सी जगह ना, उसकी मशीन में एक, स्पेस था, एक जगह थी जहाँ पे उसको अपना होमवर्क सबमिट करवाना होता था और अपना टेस्ट पेपर सबमिट करवाने तो ये वाला पार्ट जो मार्जी है उसको बहुत नफरत होती थी इस पार्ट से शी ऑलवेज हेटेड शी ऑलवेज so वही इनका कोई पंच कोड उनके कोर्ट के, के थ्रू ही जो उनको सिखाया गया था जब वो छः साल की थी उसको कुछ कोर्ट सिखाए गए थे उसके अकॉर्डिंग उसको होमवर्क करना पड़ता था टेस्ट पेपर करना पड़ता था उसके अकॉर्डिंग उसको सबमिट करना पड़ता था ठीक है एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम और जो मैकेनिकल टीचर था जो काउंट इंस्पेक्टर ने सही कराया जो उनका मैकेनिकल टीचर था वो फटाफट से मार्क्स वगैरह सब काउंट कर लेता the inspector had smiled after he was finished and patted margie's head <coughs> जब उसने मशीन ठीक कर दी तो उसने मार्जी की तरफ स्माइल करा और उसका सर थपथपाया थप patted मतलब थप थपना शाबाशी देते हैं ना उसके अकॉर्डिंग उसने थपथपाया एंड ही सेड वो Margie से अपसेट थी क्योंकि ज्योग्राफी जो जो में मारजी भी अच्छा स्कोर नहीं कर रही थी तो फिर uh, जो इंस्पेक्टर था ना काउंटी इंस्पेक्टर वो उनकी मम्मा मारजी की मम्मा को बोलते कि ये मारजी की गलती नहीं है मारजी का फॉल्ट नहीं है आई थिंक द जोग्राफीज एक्ट वॉज गियर्ड लिटल टू क्विक गियर्ड मतलब adjusted to a particular standard level. जो ज्योग्राफी के जो चैप्टर्स थे ना वो ज्यादा मतलब जैसे मार्ज इलेवन इयर्स की थी लेकिन जो चैप्टर्स थे ना वो थर्टीन और फोर्टीन ईयर वाले स्टूडेंट्स के हिसाब से एडजस्ट हो गए थे गियर्ड मतलब हाई लेवल पर एडजस्ट होना ठीक है ना तो इंस्पेक्टर ने बोला था जो ज्योग्राफी वाले सेक्टर है वो ज्यादा तेज

Margie was disappointed. Disappointed मतलब ना खुश. Margie खुश नहीं थी। उसको बुरा लग रहा था। वो कर रही थी कि है ना उसका जो टीचर था ना मैक, आ, मशीन वाला जो टीचर था उसको काउंटी इंस्पेक्टर अपने साथ ले जाएंगे क्योंकि वो थोड़ा खराब हो गया था तो ये होप कर रही थी यार उसको तो साथ में ले जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ ने उसको फटाफट से ठीक कर दिया था सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कंप्लीटली फिर वो ये चीज बोल रही थी टॉमी का जो वर्चुअल टीचर था मशीन uh, वाला जो टीचर था उसको वो एक बार ना जब खराब हो गया था जब उसके अंदर से हिस्ट्री के सारे सेक्टर्स गायब हो गए थे ना पूरी हिस्ट्री उसमें से चली गई थी ना हिस्ट्री वाले चैप्टर तो उसके टीचर को एक महीने के लिए वो लोग ले गए थे तो मार्जी भी ये चीज होप कर रही थी कि मेरे वाले मैकेनिकल टीचर को भी ले जाएंगे वो लेकिन ऐसा नहीं हुआ सो शी सेड टू टॉमी वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल तो फिर वो टॉमी को बोलती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा टॉम ए लुकड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड एंड हंड्रेड एंड हंड्रेड ऑफ ईयर अ गो तो मे उसकी तरफ काफ़ी मतलब ओपीनियन उसको कुछ समझाते हुए मार्जे की तरफ देखता है उसको बताता है कि ये हमारे तरीके का स्कूल नहीं है स्टूपट ये बहुत मतलब सौ परसों साल पुराना स्कूल है ही um, मतलब बेहतर तरीके से वो उसको मारजी को समझा रहा था इन अर वे लाइक बेहतर तरीके से प्रनाउंसिंग द वर्ड केयर फुलचुरीजो फिर उसने हंड्रेड ऑफ हंड्रेड इयर अगो को सेंचुरी कन्वर्ट कर दिया ताकि मारजी को अच्छे से समझ में आ जाए मारजी वॉज हर्ट वेल आई डोंट नो वट काइंड है ऑल दैट टाइम अगो मारजी को थोड़ा बुरा लग रहा था क्योंकि उसको नहीं पता था वो बोल रही थी कि मुझे नहीं पता कि इतने पुराने टाइम में किस तरह का स्कूल होगा शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल सेट एनी वे दे टीचर फिर उसने टॉमी की शोल्डर पर अपना सर रखते हुए थोड़ी देर बुक पढ़ी और फिर बोलती है कि चलो उनके पास एक टीचर था श्योर दे हैड टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर इट वॉज अ मैन फिर टॉमी बोलता है कि हा उनके पास टीचर था लेकिन वो एक रेगुलर टीचर नहीं था अब इनका टीचर कौन है इनका रोबोटिक टीचर है ठीक है लेकिन उनके पास जो टीचर था वो एक आदमी था एक इंसान था एक ह्यूमन बींग था अ मैन हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर फिर मार्जी बोलती है एक आदमी एक आदमी टीचर कैसे बन सकता है वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क होमवर्क एंड आर्ट Questions. फिर में बताता है कि वो बस लड़कों और लड़कियों को चीज़ें समझाता समझाते थे जो ह्यूमन टीचर्स होते थे और उनको होमवर्क देते थे और क्वेश्चन देते थे क्योंकि मार्जी को ये लगता था कि जो रोबोट्स होते हैं रोबोट्स से इंटेलिजेंट कोई इंसान कैसे हो सकता है ठीक है तो उसके मन में ये डाउट था कि टीचर स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ा सकता है इतने इंटेलिजेंट वो कैसे हो सकता है फिर टॉमी उसको समझाया कि वो चीजें बच्चों को समझाते थे उनको होमवर्क देते थे और क्वेश्चन देते थे और उसको ये बोला कि जो रोबोट्स किसने बनाए रोबोट्स भी तो इंसान ने ही बनाया ना तो ज्यादा इंटेलिजेंट कौन हुआ ह्यूमन अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ श्योर ही इज माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर फिर मारजी बोलती है कि इंसान इतना स्मार्ट नहीं हो सकता बट टॉमी बोलते हैं श्योर ही इज़ माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर मेरे पापा जितना मेरा टीचर जानते हैं ना उतना मेरे पापा भी जानते हैं टीचर बैट टीचर वर्चुअल इनका टीचर जो था वर्चुअल टीचर था रोबोटिक टी, रोबोटिक टीचर था ही नोज ऑलमोस्ट एज मच एज आई बैचा बैचा इज़ लाइक बेट लगाना ठीक है शर्त लगाना मैं शर्त लगाता हूँ कि मेरे टीचर के जितना मेरे फादर जानते हैं मारजी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट मारजी इस टॉपिक के ऊपर लड़ने के लिए डिस्प्यूट मतलब लड़ाई आर्ग्यूमेंट्स इस टॉपिक पर लड़ने के लिए वो रेडी नहीं थी क्योंकि उसको इतना आइडिया था ही नहीं शी से उसने बोला की कि मैं किसी अजनबी को मेरे घर में मुझे पढ़ाने के लिए अलाउ ही नहीं करूंगी मैं नहीं चाहूंगी कोई अजनबी आके मुझे पढ़ाए डिस्प्यूट मतलब डिसग्री विथ वो बिल्कुल भी अग्री नहीं कर रही थी टॉमी के साथ टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर टॉमी हस मतलब टॉमी वाज लाइक हंस रहा था और उसने उसको चिल्ला के बोला यू डोंट नो मच मार्जी द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल किड्स वेंट देयर टॉमी को पता था और टॉमी हंसते हुए उसको बता रहा था कि टीचर तुम्हें पर्सनली पढ़ाने नहीं आएगा तुझे नहीं पता मार्जी तुम्हें कुछ भी नहीं पता जो टीचर्स है वो घरों में नहीं आते हैं उनकी खुद की एक बिल्डिंग होती है एक स्पेशल बिल्डिंग होती है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स उनके पास जाते हैं ना कि टीचर स्टूडेंट्स के पास जाता है ठीक है एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग श्योर इफ दे वर द सेम एज फिर मार्जी बोलती है कि सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ाई करेंगे एक ही चीज़ सीखेंगे फिर टॉमी बोलता है कि हाँ अगर उनके सेम एज है तो वो उसी के अकॉर्डिंग सेम ही पढ़ेंगे बट माई मदर सेज अ टीचर हैजू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स एंड द ईच के हैज बी टॉट डिफरेंटली मार्जी बोलती है लेकिन मेरी मम्मा बोलती है कि जो भी टीचर है वो हर बच्चे के दिमाग में हर बच्चे के आ, दिमाग में फिट हो जाना चाहिए उसके बच्चे के अकॉर्डिंग कि उसको क्या समझना है उसको क्या सीखना है उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ाना चाहिए क्योंकि आ, हर बच्चे को अलग अलग चीज़ पढ़नी होती है ठीक है तो उसके हिसाब से टीचर को भी अलग अलग चीज़ पढ़ानी पड़ेगी तो शी वॉज लाइक कन्फ्यूज कि एक टीचर इतने सारे बच्चों को एक साथ कैसे पढ़ाएगा ठीक है ना जी द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक अगर तुम्हें नहीं पसंद तो तुम बुक भी मत पढ़ो अगर तुम्हें बुक पढ़ना नहीं पसंद तो ठीक है तुम मत पढ़ो आई डेंट से इट इट आई डेंट लाइक मार्जी क्विकली मैंने ये नहीं बोला कि मुझे ये पसंद नहीं है मार्जी ने बोला she wanted to read about those funny schools वो अब मार्जी को ये सब बहुत फनी लग रहा था ठीक है ना तो उसको स्कूल के बारे में और जानना था they were not even half finished when मार्जी मदर कॉल मार्जी स्कूल उन्होंने बुक आदि खत्म करी भी नहीं थी और उतने में मार्जी की मम्मा ने आवाज लगा ली कि मार्जी स्कूल स्कूल का टाइम हो गया था मार्जी लुक दब नॉट येट मम्मा मार्जी मम्मा को बोलती अभी नहीं मम्मा नाव नाव सैड मिसेज जॉन्स फिर उसकी मम्मा बोलती ना अभी एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू और टॉमी का भी टाइम हो ही गया था स्कूल का मारजी सैड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल मारजी टॉमी को बोलती है क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ बुक और पढ़ सकती हूँ क्योंकि शी वॉज काइंड ऑफ इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट द स्कूल मे बी ही सैड नॉन क्लैंटली टॉमी को ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं तो बिना विदाउटी को शायद, है, देखते हैं डस्टी ओल्ड बुक तक पनी हिस्स आम फिर वो अपनी उसकी जो बुक है उसको यहाँ पे आम में दबाते हुए वो सीटी बजाते बजाते चला गया मारजी वेंट इन टू स्कूल रूम इट वाज़ राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वाज़ ऑन एंड वेटिंग फॉर हर मार्जी अपने स्कूल रूम में चले गई जिस बेडरूम के बगल में उसका स्कूल रूम था और उसका जो टीचर था वो उसके लिए वेट कर रहा था मैकेनिकल जो टीचर था वो उसके लिए वेट कर रहा था इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे उसी टाइम पे संडे और सैटरडे के अलावा वो जो मैकेनिकल टीचर है हमेशा ऑन रहता है द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन सी दिस इज द मैकेनिकल टीचर सी दिस वन इज द मैकेनिकल टीचर और ये उसकी स्क्रीन है यहाँ पे मारजी मार है और यहाँ पे वो अपनी पढ़ाई करती है ठीक है बिकॉज हर मदर सैड लिटल गर्ल्स लर्न बैटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आर्ट्स क्योंकि उसकी मम्मा ने बोला था कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अगर रेगुलर बेसिस पे पढ़ेंगे तो उनको अच्छे से समझ में आएगा स्क्रीन वॉज लेट इट से स्क्रीन ऑन हो गई थी फिर वही चीज ना कि मारजी को सबसे बुरा पार्ट क्या लगता था स्लॉट में होमवर्क सबमिट कराना तो जैसे स्क्रीन ऑन हुई तो स्क्रीन तो तो पर लिखा हुआ आ गया कि आज का जो टॉपिक है अर्थमैटिक लेसन हमारा स्टार्ट हम प्रॉपर फ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे लेकिन उससे पहले आपको कल का होमवर्क सबमिट करवाना पड़ेगा एंड दिस इज द पार्ट शी हेटेड द मोस्ट मार्जी डिड सो विद मतलब हम ऐसे करते हैं कि ठीक है मार्जी ने बहुत ज़्यादा परेशान होके चलो कर ही दिया सबमिट बिकॉज शी डेंट लाइक दैट थिंग ऑलवेज़ हेटेड टू सबमिट द ऑलवेज़ हेटेड टू सबमिट शी वाज़ थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल ग्रैंड फादर्स ग्रैंड फादर वॉज लिटिल बॉय जब उसकी दादा के जो दादा थे ना जब वो छोटे थे तो उस टाइम तो स्कूल चलती थी तो वो उस टाइम के बारे में सोच रही थी मतलब अपना जो ये वाला टाइम है इस बारे में वो सोच रही थी ऑल द किड्स फॉर्म फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड तो वो सोच रही थी कि आस पड़ोस के सारे बच्चे हंसते हुए खेल हंसते खेलते हुए चिल्लाते हुए स्कूल यार्ड में आ रहे हैं सिटिंग टुगेदर इन द क्लास स्कूल रूम स्कूल रूम में साथ बैठ रहे हैं गोइंग होम टूगैदर एट द एंड ऑफ द डे दिन खत्म होने के बाद स्कूल ख़त्म होने के बाद सब साथ में जा रहे हैं द दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनादर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट उनने सेम ही चीज़ लर्न करी उनने सेम चीज़ सीखी तो उससे क्या है कि वो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं फ्रेंड्स वगैरह की हेल्प कर सकते हैं अगर किसी को समझ में ना आए तो एंड द टीचर वर्क पीपल और जो टीचर्स थे वो ह्यूमन बींग्स थे वो लोग थे कोई मैकेनिकल टीचर नहीं था तो वो जो मार्जी थी ना वो अपनी वर्चुअल क्लास लेते हुए ऑनलाइन क्लास लेते हुए इन सब पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी पुराने एजुकेशन सिस्टम के बारे में सोच रही थी कैसे बच्चे हंसते खेलते हुए सब साथ में जा रहे हैं साथ में पढ़ रहे हैं साथ में खाना खा रहे हैं और अच्छे से आ, चीज़ें सीख रहे हैं सब कुछ से, सेम सेम चीज़ें सीखने को मिल रही है टीचर जो है वो भी एक ह्यूमन बीइंग है तो इंटरेक्शन भी बहुत अच्छा हो रहा है स्टार्टिंग में तो मार्जी को ये सब बहुत फनी लग रहा था लेकिन अब उसको पुराना वाला एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा अच्छा लग रहा है द मैकेनिकल टीचर फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन वैन वी एड फ्रैक्शन हाफ एंड वन पॉइंट फोर वही जो मैकेनिकल टीचर था वो स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा था जब वो इन सब चीज़ों के बारे में सोच रही थी फ्रैक्शन चल रहे थे वन अपॉन हाफ को और वन अपॉन फोर इस बारे में वो पढ़ रही थी तो मार्जी जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट द ओल्ड डेज शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड सो दिस इज द नेम ऑफ आर चैप्टर

मार्जी वाले टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था अकेले अकेले जाना बेडरूम के बगल में जैसे उसकी क्लास होती थी अकेले पढ़ना कुछ भी फन जैसा कुछ था स्कूल में ठीक है क्वेश्चन विच इज गिवन इन योर बुक पूरा चैप्टर मैंने आपको समझा दिया है क्वेश्चन पढ़ना आंसर्स आपको इन्हीं पैराग्राफ में मिल जाएंगे ट्राई करना आंसर्स क्वेश्चंस करने की ठीक है थैंक यू सो मच